आप भी यही सोचते होंगे ना कि आपके अगल बगल कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनका कभी भी वेट नहीं बढ़ता, चाहे वो कुछ भी खा लें कितना भी खा लें। यदि मैं आपको कहूं कि आपके पास भी ऐसी पावर आ सकती है, तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे मेरी 6 मंथ्स की जर्नी और इन 6 महीनों में मैंने कैसे वेट लूज़ किया और क्या रहस्य जाना जिससे हो जाएगा आपका वेट लॉस बहुत ही आसान। मैं हूँ अजय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं लेजेंडरी लाइफ। जून 2019 से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। इस वक्त मेरा वेट था लगभग 83 kg, ओवरवेट बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैंने स्टार्ट किया इंटरमीडिएट फास्टिंग विथ स्किपिंग डेली, ये मेरा रोज का शेड्यूल था। और जो ईटिंग विंडो था इसमें कोई स्पेशल डाइट नहीं थी, क्योंकि स्पेशल डाइट लेने का मेरे पास कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए जो भी मिल रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी मिल रहा है, 2 meals a day और फुल मील। इस तरह शुरुआत के 1 महीने में ही मैंने 80 kg कर लिया। फिर अगस्त और सितंबर आया, इन 2 महीनों में मेरा वर्किंग शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। इवन मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, तो ऐसे में स्किपिंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग रेगुलरली मैं कर रहा था, तो मेरा वेट लगभग 78 to 80 kg के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता था। अक्टूबर से मैंने स्किपिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों ही बंद कर दी। रीज़न ये था कि मैंने अब बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे लिए स्किपिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग और रिपीटेटिव होती जा रही थी। तो मैंने बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। अब बास्केटबॉल खेलने की वजह से मुझे दिन में कम से कम 2-3 घंटे मेरे जाते थे, जिसकी वजह से स्किपिंग करना इम्पॉसिबल था और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लूज़ होती थी, जिसकी वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग करना भी लगभग नामुमकिन था। क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ करने के बाद यदि आप सोचें कि मैं फास्टिंग करूं, तो आप वेट लॉस तो करेंगे, हो सकता है आप दूसरे दिन बास्केटबॉल ना खेल पाए। इसलिए मुझे अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग के शेड्यूल को छोड़ना पड़ा। लेकिन मैं सिर्फ 3 बार खाता था और बीच में ना कोई चाय ना कोई एडिशनल ड्रिंक्स। अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में मेरा वेट 77 टू 78 के बीच में इधर उधर होता रहा। लेकिन कहानी इसके बाद से स्टार्ट होती है। फरवरी के एंड से लग गया लॉकडाउन, बास्केटबॉल हो गया बंद, और 2-3 दिन इधर उधर की एक्सरसाइज करने के बाद एक्सरसाइज करने का भी मन मर चुका था और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का भी मन नहीं होता था। तो बेसिकली क्या शुरू हो गया, मैं तीनों टाइम खा भी रहा था और साथ में अब 3 बार दिन में चाय भी पी रहा था, वो भी दूध और शक्कर वाली, जो मैं आप लोगों को मना करता हूँ। तो बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि मेरा वेट बढ़ता चला जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड मेरा वेट 74 और 75 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है अभी, और मेरा वेट बढ़ भी नहीं रहा है। क्या हो सकता है इसका कारण? और मेरा लंच और डिनर जो था वो मैक्सिमम चावल था। आप लोग ये सोचते होंगे कि चावल से तो वेट बढ़ जाता है, बट ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे सिर्फ चावल जैसी डाइट के ऊपर रहते हुए। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की। इस पर ज़्यादा अभी तक कुछ रिसर्च हुआ नहीं है, बट इसके बारे में जानते सभी लोग इसको जानते हैं और मानते भी हैं। आपने देखा होगा कि आप एक वेट पे फिक्स रहते हैं, आपने डाइट किया, वेट घटाया, वेट घटाने के बाद जैसे ही डाइटिंग छोड़ेंगे आप सेम टू सेम उसी वेट पे फिर से आके फिक्स हो जाएंगे। सिमिलरली बॉडी बिल्डर्स का भी वैसा ही होता है, उनका बहुत टाइम तक एक फिक्स वेट रहता है। जब वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं काफ़ी दिनों के लिए, तो उनका वेट बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं उनका बॉडी वेट वापस बैक टू वहीं पे आ जाता है, और वो भी बहुत ही आसानी से, क्योंकि शरीर को अपना वज़न याद रहता है। जी हाँ, शरीर को अपना वज़न याद रहता है, और मैंने इसका नाम दिया है द फिटनेस मेमोरी। एक वक्त था जब मेरा जादुई आंकड़ा था 83 kg,
चाहे मैं कितना भी वेट लूज कर लूँ वो घूम फिर के 83 केजी पे आ जाता था। लेकिन अभी ये बदल चुका है, अभी मेरा शरीर उसको नया याद हो रहा है, धीरे धीरे उसको इस हल्के फुल्के शक्तिशाली शरीर में रहने की आदत पड़ गई है और वो इसको अपना नया शरीर मान रहा है। तो ये नया वेट ही मेरा वेट है, अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ ये ज़्यादा इससे ऊपर जाने नहीं देगा मुझे। क्या आपने भी कभी इस तरह की कोई चीज़ महसूस की है? आपका मैजिक नंबर क्या है कमेंट करके बताइए। बेसिकली आपको ये करना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से या स्किपिंग से या डाइटिंग से या एक्सरसाइज से, जो भी आपका फेवरेट तरीका है, उससे आप वेट लूज कीजिए। और सिर्फ वेट लूज मत कीजिए, एटलीस्ट 6 महीने से ज़्यादा का टाइम लीजिए और जो आपका वेट है उसे मेंटेन करके रखिए, उसे बढ़ने ना दीजिए। एक बार शरीर ये मानने लग गया कि ये मेरा नया वेट है तो उसके बाद यदि आप डाइटिंग छोड़ भी दें तो भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो हो गया ना वेट लॉस आसान। तो यदि आप ये सोच रहे थे कि 20 दिन में या 30 दिन में या 2 महीने में अपना वेट लॉस कर लूँगा तो आप गलत सोच रहे थे। मैं हूँ अजीत सिंह चौहान और मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ लेजेंडरी हो जाए।